केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। मैं मुखिया रहे, एक बार आपको हार का सामना करना पड़ा, इस बार कैसा लग रहा है? इस बार जीत हमारी सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई किंतु नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा हुआ। इसे घमंड कहें या विश्वास कहें? विश्वास, 100% विश्वास। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारे अभी वर्तमान प्रतिनिधि है वो कभी भी पंचायत भवन में नहीं बैठे, ना ही 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावे पंचायत भवन का ताला खुला, ना ग्रामीण को ग्राम सेवक से भेंट हुआ, इंदिरा आवास सहायक से भेंट हुआ और ना ही प्यारस से भेंट हुआ पंचायत भवन में। पिछले 10 से 15 तक आप मुखिया रहे, उस कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे आप? बिल्कुल, 10 ऐसे कार्य जानेंगे जो आपके द्वारा किया गया। देखिए, सबसे पहले मेरा प्राथमिकता में था कि पंचायत हमारा हरियाली की ओर बढ़े। मैंने वृक्षारोपण को प्राथमिकता दिया, प्रखंड परिसर में 2000 वृक्ष लगाए। रौता बांध एक पड़ता है, वहाँ मैंने वृक्ष लगवाए। एक भुन्नी पोखर पड़ता है जहाँ मैंने वृक्ष लगाए, जो आज भी हजारों वृक्ष हरा भरा है, देख के ऐसा लगेगा कि हरियाली की ओर जिद्दी सुर पंचायत कर रहा। 10 कार्य वृक्षारोपण के अलावा? हाँ, वृक्षारोपण के अलावे जगदीशपुर ग्रामीण की ओर एक मैंने गेट का निर्माण किया, जो पूर्व सैनिक के नाम से गेट का नाम रखा। दुर्गा स्थान जाने के लिए रास्ते में गेट का निर्माण किया और कई ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर पीसीसी सड़क निर्माण किए जहाँ कचड़े में था वर्षों से। जैसे मुख्य मार्ग से अरुण भगत के घर तक पीसीसी का सड़क निर्माण, उधर मुख्य मार्ग से विजय भगत के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण, और ग्रामीण इलाके में मान लीजिए जगदीशपुर प्रखंड पोखर का खुदाई किया, सीढ़ी का निर्माण किया, वहाँ पर कोला खुर्द में कई महत्वपूर्ण योजना किए, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किए, अंगारी में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किए और छोटे छोटे रोड नाले का अनेकों प्रकार का काम। कौन ऐसा काम नहीं कर पाए थे उस समय जिसका मलाल आज भी है? मुख्य रूप से जो मैं कार्य नहीं कर पाया, जो आज भी मुझे मलाल है, कि उस समय राशन कार्ड बन रहा था और राशन कार्ड बनाने के लिए प्रतिनिधि को बाहर रखा गया था, कोई मजदूर के द्वारा जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित हो या अफसर के शाही के द्वारा निर्धारित हो, उनके माध्यम से सर्वे कराया गया और उसमें हम लोगों की भागीदारी नहीं रही, जिसके कारण से कुछ जनता को आक्रोश हुआ। जिनको राशन कार्ड बनना था उनका नहीं बना और अमीरों का राशन कार्ड बन गया पैसे के बल पे, वो चीज़ में मेरी भागीदारी नहीं हुई, उसका आज भी मुझे मलाल है। चलिए, 3 सवाल। राशन कार्ड कितना बना होगा उस समय आपके द्वारा? मेरे समय में राशन कार्ड पूरे पंचायत में लगभग 2000 लगे। 2000। आवास? आवास, आवास तो हमारे समय में बहुत कम बना, 100-150 के आसपास बना होगा। फिर से चुनाव मैदान में है? बिल्कुल। जीतने को लेकर भी आप आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे? इस बार जीतेंगे तो क्या करेंगे पंचायत के लिए? 10 का सबसे पहले प्राथमिकता में मेरा होगा कि जो मजदूर हमारे राज्य से बाहर जाते हैं उनको मनरेगा के तहत मजदूरी पे अपने पंचायत में ही काम देंगे। दूसरा प्राथमिकता में है कि शिक्षा का स्तर में काफी गिरावट आया है। विद्यालय में समय पे ना शिक्षक पहुंच रहे हैं और लोग पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, दूसरा प्राथमिकता में है। तीसरा प्राथमिकता में पुनः हम वृक्षारोपण पे ध्यान देंगे कि जिस गांव में वृक्षारोपण नहीं हो पाया है वह पुनः हम वृक्षारोपण का कार्य चलाएंगे। चौथा प्राथमिकता में मेरा होगा कि जो महिलाएं आज भी
रोजगार नहीं है उनको, हम छोटे छोटे उद्योग से उनको जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है। पांचवा में गांव घर का नाली रोड जो है उसके ऊपर ध्यान में रहेगा। और मुख्य रूप से छठा जो मेरा योजना है कि हमारे समाज में बहुत सारा अतिक्रमण हो चुका है, जो दबंग लोग रोड पे घर बना लिए, आने जाने में परेशानी हो रहा है, वो भी मेरा प्राथमिकता में रहेगा, उनके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। कार्रवाई करके तो घर तोड़वाएंगे? नहीं, रास्ता को निकलवाएंगे, जैसे भी हो उसके लिए हम लड़ेंगे, चाहे वो अपने से मुझे क्यों नहीं लड़ना पड़े। ठीक है। इसके अलावा? इसके अलावा जनता कहाँ जाएगी अपनी समस्या को लेकर? जनता के समस्या में हम खड़े हैं, उनके समस्या के लिए। आज 5 लोग घर बनाए हैं तो 75 लोग को परेशानी है। आपका बिजनेस है, हर चीज है, मुखिया भी बनेंगे, लेकिन कोई ऐसा है आपके मैनिफेस्टो में कि हम जनता दरबार भी लगाएंगे? देखिए, ये मैंने आपको बताना इसलिए अभी तक सुनिश्चित नहीं किए थे कि आप हमसे सवाल नहीं किए थे। जब हम इस पंचायत के मुखिया बने थे तो महीने में 30 में 30 दिन पंचायत में ही बैठते थे और 5 से 6 घंटा बिताए थे कि हमारे जनता को ना मुखिया खोजना पड़े, ना ग्राम सेवक खोजना पड़े, सबको अपने पास बैठाते थे। और जब से हम हटे हैं, पंचायत भवन का ताला 15 अगस्त 26 जनवरी में ही खुले हैं। ये मेरा प्राथमिकता में पहले बार से है। और इस बार तो हम सोचे हैं हर गांव में 2 दिन हम वहाँ जनता दरबार लगाए। हर गांव में 2 दिन? हाँ, 4 गांव है मेरा, एक सप्ताह में सब जगह हमारा जनता दरबार रहेगा। हर दिन 2 जगह जनता दरबार? बिल्कुल। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने हर तरह के कार्य गिनाए, सड़क, नाला, अतिक्रमण, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, तीन ऐसा कार्य बताइए कि हम करेंगे, ये 3 ऐसे कार्य जो कि जनता मुझे आजीवन याद रखेगी, ऐसा कोई कार्य सोचे? हाँ, उसमें प्राथमिकता में है कि पहले जब हम मुखिया थे इंदिरा आवास में 1 रुपया किसी को नहीं लगने दिए थे, और पुनः अगर मुझे मौका मिला तो हम 1 रुपया कहीं भी नहीं लगने देंगे। ये मेरा प्राथमिकता में है। दूसरा प्राथमिकता में है कि जब तक हम इस पंचायत के मुखिया हैं, बने रहेंगे, तो जितने भी गरीब को अगर वो भागलपुर एम्बुलेंस में उपलब्ध नहीं है तो हम अपना व्यवस्था से उसको एम्बुलेंस का सुविधा दिलाएंगे पंचायत के माध्यम से। ठीक। बच्चे जो गरीब वर्ग के हैं उनको बाहर जाना है एग्जाम के लिए, उसमें हम हर संभव सहयोग करेंगे। शिक्षा के ऊपर हमारा हमेशा जो रहा है अब पुनः रहेगा, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। जनता से क्या उम्मीद और क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आप पिछले 5 वर्ष मुझे देखे हैं, अच्छी तरह से समझे हैं, और आज वर्तमान में जो मुखिया है आप उसे भी समझे हैं, और अपना सोच विचार के आप अपना निर्णय लें कि हमें कौन अच्छा सुविधा दे सकता है। जनता से हम यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपको? मेरा नाम हुआ घनश्याम मंडल। पंचायत? ग्राम पंचायत जगदीशपुर, प्रखंड जगदीशपुर, जिला भागलपुर। आप इस पंचायत के पूर्व में सरपंच रहे हैं, ग्रामीण हैं, क्या लगता है कि इस 5 साल में पंचायत में विकास हुआ है? जहाँ तक जनता की बात है और हमारे देखने से ये लगता है, विकास सरकार के द्वारा कराया जाता है, मुखिया के द्वारा, वो तो कुछ ना कुछ होना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस पंचायत की जनता वहाँ के वर्तमान प्रतिनिधि से इतने दुखी हो, उनसे मिलना उनके लिए दुर्लभ हो, वो विकास नहीं कहलाता। जब हमारी जनता ही दुखित है, हमारी जनता को ही सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आजकल हर एक चीज में सरकार के द्वारा भी दिया जाता है कि आप कोई भी कार्य करें तो जनप्रतिनिधि से आप अपना फॉरवर्डिंग करा कर लाएं, कोई भी समस्या, कोई भी फॉर्म, कोई भी सरकार के पास कोई भी चीज़ के लिए आवेदन देते हैं तो वार्ड सदस्य या अपने निकटतम मुखिया या सरपंच, कुछ ऐसे प्रतिनिधि से आप लिखवा के लाएं, जिससे कि आपको यह पहचान हो सके कि यह फलना पंचायत का जनता है। लेकिन उस दस्तखत मात्र के लिए आदमी को महीनों चक्कर काटना पड़ता है, जो वर्तमान अभी प्रतिनिधि हमारे। आप खुश नहीं हैं उनके कार्य जी? ऐसा तो प्रतीत होता है,
अगर मैं खुश रहता तो इतनी अच्छी बातें नहीं होता। क्या लगता है इस बार पंचायत में? पंचायत में पुनः हमारे भाई घनश्याम मंडल जी आएंगे, जनादेश का इंतजार है, जनता अपना मन बना चुकी है, उन्होंने अपना भरोसा इनको दिया है। हालांकि पिछले बार भी हमारी शिकस्त हुई थी, मुखिया जी की शिकस्त हुई थी, महज 50 वोटों से इनकी शिकस्त हुई थी, जबकि हमारे जीतने वाले जो प्रतिनिधि थे उनको 1366 वोट प्राप्त हुए थे पूरे पंचायत में, और ये 5 साल कार्यकाल चला करके भी 1326 वोट लाए थे, महज 60 वोटों का शायद अंतर था मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के अनुसार जो इनकी शिकस्त हुई थी, उसमें भी कुछ व्यक्ति जिन्होंने के पीछे छुरा घोंपा, इस कारण से थोड़ी सी हुई। क्या इस बार आप भी चुनाव लड़ेंगे सरपंच का? जी नहीं, हमारी सीट कंफर्म नहीं है, मैं पिछले साल भी नहीं लड़ा था और इस बार भी नहीं लड़ूंगा। मैं 2006 से 2016 तक मेरा कार्यकाल रहा था जगदीशपुर पंचायत में, 16 के बाद से मैं अब्सेंट हूँ। और मैं उम्मीद है कि इस बार जीतेंगे। उम्मीद नहीं, विश्वास है, और जनता का विश्वास, हमारा विश्वास कोई मायने नहीं रखता है, जनता के द्वारा कही गई बातें, जनता का विश्वास ही हमारा विश्वास है, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। गाँव के गरीब मजदूर, हमारे जितने भी भाई हैं, बहन हैं, माएँ हैं, उन लोगों के द्वारा दिया गया आश्वासन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।